हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, जो कि है इंटर्नशिप्स एंड जॉब वैकेंसीज इन लाटविया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे से ऑनलाइन पूछ रहे थे कमेंट करके कि हमको प्लीज़ बताओ यहाँ पे किस तरीके की जॉब्स है और क्या क्या जॉब्स मिलती है, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप्स का बताओ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉब्स के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी जॉब्स अवेलेबल है स्पेशली, लेकिन उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनकी यहाँ पे बहुत जल्दी जॉब लगी है। मैं सबसे पहले उनके बारे में बता रही हूँ, उनका प्रोफाइल बता रही हूँ थोड़ा, कि किस तरीके के लोगों को जॉब्स किस तरीके की मिल रही हैं। तो जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हुए हो, अगर आपकी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड है, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज में और ऐसी काफ़ी काम है जो मिल सकते हैं मशीन रिलेटेड, ठीक है। एक प्लस पॉइंट अकाउंटेंट्स को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है बड़ी बड़ी कंपनियों में। कैशियर जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर, पार्ट टाइम वगैरह, जैसे रेस्टोरेंट्स में आप काम कर सकते हो, क्लीनर का काम कर सकते हो, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो भी आपको सूट करता है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। कबाब शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कबाब का तो आप काफ़ी ज़्यादा बैचलर स्टूडेंट्स को भी देखोगे काम करते हुए कबाब शॉप्स पे, और जैसे बुचर का काम होता है। सो दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर देयर इन लाटविया। लाटविया अगर मैं आपको बता दूँ तो ये है छोटी सी ही जगह, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हो, बट काफ़ी मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनने इधर पे आकर काफ़ी कुछ करा है। बोल्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, बोल्ट और वोल्ट चलती है यहाँ पर, डिलीवरी के कुछ ऐप्स हैं जिसको यूज़ करके बच्चे कमा लेते हैं काफ़ी अच्छा, और अपने वर्क को अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो लोग फ्लेक्सिबली कर पाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती यार, काम करने का इतना वक्त नहीं मिलता, ठीक है, तो वो बच्चे बोल्ट और वोल्ट से काम चला लेते हैं और अच्छी इनकम निकाल ले रहे हैं उससे, अपना खर्चा पानी बढ़िया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे टूरिबा वालों से अगर पूछे तो अभी हमारी बहुत भयंकर छुट्टी चल रही है, लिटरली कुछ नहीं है करने को, ठीक है, तो ये टाइम क्या है, फुल टाइम में आप लगा सकते हो, आप पार्ट टाइम में भी लगा सकते हो, और आपको ऐसी कोई बंदिश नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी मई में निकल जाएंगे जिनने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं कुछ एजेंसीज और इंटर्नशिप्स के लिए, तो या दैट इज़ ऑल्सो अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप उन इंटर्नशिप्स पे जाकर भी काफ़ी कमाई निकाल सकते हो, तो आपको अलग से दिहाड़ी पे नहीं जाना पड़ेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। आप अपनी फीस आसानी से निकाल सकते हो इन इंटर्नशिप्स पे जाके। ग्रीस में इंटर्नशिप चल रही है, ठीक है, मेरे को भी ऑफर आई थी ग्रीस से, और उसके साथ ही साथ अभी इटली की भी इंटर्नशिप्स निकली हुई है। काफ़ी ऐसी एजेंसीज़ हैं, काफ़ी ऐसे कुछ कुछ रिक्रूटर्स हैं जो बच्चों को ढूंढ रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। और अगर आप मास्टर्स के हो तो फिर आपको और बढ़िया है, मास्टर्स वाले और फ्रीली अपने इंटर्नशिप कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल, 3-4 महीने जाओ आराम से कमा के वापस आ जाओ, तो ये सारे कुछ एक्सपोजर भी आपको मिल जाएगा एक बढ़िया से दूसरी जगह का, और अच्छे क्लाइमेट में आप काम करके आ सकते हो। ग्रीस की मैं बात करूँ तो ग्रीस पे कुछ आइलैंड्स है जहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह है, तो आप वहाँ जाकर काम भी कर सकते हो। सो दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स जो कि ये एक जो हमारा लाटविया है प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो यहाँ पर। और अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स और हैं जिनकी बढ़िया जॉब भी लग चुकी है लाटविया के अंदर ही, ठीक है, वेयर हाउसेज में, और कुछ की आईटी कंपनीज में लग चुकी है, और एक्सेंचर जैसी कंपनियों में भी लगी हुई है जॉब्स। तो ऐसा नहीं है कि हमें इन कंपनीज में जॉब्स नहीं मिल रही, डेफिनेटली मिलती है, बट लक पे भी डिपेंड करता है और आपके हार्डवर्क पे कि आप किस तरीके से जॉब सर्च कर रहे हो और आपने क्या अपनी एक्सपेक्टेशन बनाई हुई है, उस अकॉर्डिंगली आप करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने अराउंड देखा है अभी तक, तो मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता काम करना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर नहीं काम करते हैं और सिर्फ पढ़ने आए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग हियर। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाह रहे हो, क्या आपको पसंद है, क्या आपका कम्फर्ट जोन है, और वॉट ऑल रिस्क यू कैन टेक, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि RTU में भी वैकेंसीज निकली हुई है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इन RTU ऑल्सो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर जो सिर्फ इंग्लिश मांग रही है, और मतलब एक अगर आप इंग्लिश वाली जॉब ही करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर, उसमें लाटवियन नहीं मांगी जा रही, तो डेफिनेटली ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप जिनका फ़ायदा उठा सकते हो, सर्च आउट कर सकते हो। बाकी आपको वेबसाइट्स अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, CVLV करके वेबसाइट है, यूरोपास पे आप अपना CV बना के अपडेट कर सकते हो, तो उससे भी कंपनीज आपको ट्रैक कर लेती हैं और आपका एक बढ़िया CV बन के रेडी हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मीनवाइल जब तक आपको जॉब नहीं मिलती आप तब तक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी जगहों पर, सिर्फ निर्भर इन छोटी मोटी जगहों पर मत रहो,
सिर्फ ग्रीस और इटली की ही इंटर्नशिप नहीं, और भी काफ़ी जगह है जो इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। स्वीडन भी है, और भी मैंने काफ़ी कुछ जगहें देखी है जहाँ पर इंटर्नशिप्स प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, आसपास के कुछ एरियाज़ में भी आप जाके पता लगा सकते हो, तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। बर्गर किंग में भी वैकेंसीज ओपन है, KFC में वैकेंसीज ओपन है, जो कि स्पेशली लाटविया की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहीं पर हो तो। सो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। डेफिनेटली ट्राई योर लक एंड पुट योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स इन टू गेटिंग अ गुड जॉब। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट डाउन बिलो योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स एंड आई विल बी क्लियरिंग दोज आउट। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव इन द कमेंट सेक्शन। नो नेगेटिविटी विल बी टॉलरेटेड फ्रॉम माई साइड। आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू इफ यू पुट एनी नेगेटिव कॉमेंट्स। So yeah, spread positivity. Bye.